दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास वर्ष का पांचवा महीना होता है। अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार यह जून जुलाई के बीच आता है। इस बार इस माह की शुरुआत अर्थात श्रावण माह की शुरुआत 25 जुलाई 2021 रविवार से हो रही है। 26 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार रहेगा। 22 अगस्त रविवार रक्षाबंधन के दिन श्रावण समाप्त हो जाएगा और भाद्रपद माह की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत में श्रावण मास का प्रारंभ देरी से होता है। दोस्तों, श्रावण शब्द का अर्थ होता है श्रवण, जिसका की अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस माह में सत्संग का महत्व है। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनः जन्म लेती है। श्रावण माह में सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, संपूर्ण माह ही व्रत रखना चाहिए। जिस तरह गुड फ्राइडे के पहले ईसाइयों में 40 दिन के उपवास चलते हैं और जिस तरह इस्लाम में रमजान माह में रोजे रखे जाते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में श्रावण मास को पवित्र मास एवं व्रत रखने वाला माह माना गया है। पूरे श्रावण माह में निराहार या फलाहार रहने की हिदायत दी गई है। इस माह में शास्त्र के अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। मन से या मनमाने व्रत से दूर रहना चाहिए। अर्थात यदि आप संपूर्ण माह व्रत नहीं रख सकते हैं तो सोमवार सहित कुछ खास दिनों ही व्रत का पालन अवश्य करें। दोस्तों, उत्तर भारतीयों के लिए श्रावण सोमवार इस प्रकार से रहेंगे। दोस्तों, पहला जो शुरुआत है श्रावण मास का, जो शुरुआत है दोस्तों, वह होगा 25 जुलाई 2021 को। श्रावण मास का पहला दिन रहेगा जो कि रविवार पड़ेगा। दोस्तों, 26 जुलाई 2021 को श्रावण मास का पहला सोमवार रहेगा। 2 अगस्त 2021 को श्रावण मास का दूसरा सोमवार रहेगा। 9 अगस्त 2021 को तीसरा सोमवार, 16 अगस्त 2021 को चौथा श्रावण सोमवार रहने वाला है एवं दोस्तों 22 अगस्त रविवार को श्रावण मास का अंतिम दिन यह रहने वाला है। दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण भारत में श्रावण माह 9 अगस्त से प्रारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 2021 से श्रावण मास प्रारंभ होगा और 7 दिसंबर 2021 को श्रावण मास का अंतिम दिन होगा। 9 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त और 6 दिसंबर को श्रावण सोमवार रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।